जय श्री कृष्णा। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम थाड़ा स्वरूप और लालन स्वरूप को फतवी धरना सीखेंगे। फतवी यानी प्रभु को शीतकाल में धराए जाने वाला वस्त्र, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में जैकेट कहते हैं। चाकदार और घेरदार दोनों पर फतवी धरा सकते हैं और दोनों में थोड़ा फर्क होता है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फतवी में दोनों तरफ के अलग अलग वस्त्र होते हैं इस तरह। सर्वप्रथम चाकदार पर फतवी धराएंगे। पहले प्रभु के लेफ्ट साइड धरेंगे इस तरह, और चाकदार पर जब भी फतवी धरे तब ये ध्यान रखे कि उसका जो एंड है, उसकी जो लेंथ है, वो चाकदार जितनी होनी चाहिए। अब राइट साइड पर धराने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी, और फिर उस पर कटी पेज धराया जाता है ऑलवेज, और फतवी के ऊपर ही हमेशा कटी पेज धराए। अब कई घरों में फतवी के ऊपर श्रृंगार होते हैं, और कई घरों में पहले श्रृंगार धराए जाते हैं और फिर ऊपर से फतवी धराई जाती है। यदि आपने फतवी के नीचे श्रृंगार कर दिए हो तो श्री कंठ में आप केवल डुगडुगी धर सकते हैं और एंड में त्रवल धराई जाती है। अब हम घेरदार के ऊपर फतवी का प्रकार देखेंगे। रीत सेम ही रहती है धराने की। ध्यान इतना रखना है कि चाकदार पर फतवी की लेंथ ज़्यादा होती है और घेरदार पर लेंथ शॉर्ट रहती है। फतवी के बारे में एक और विशेषता, जब भी चतुर्भुज थाड़ा स्वरूप पर फतवी धरे तब उन्हें वेणु जी कटी में धराई जाती है, इसलिए फतवी में एक पॉकेट होता है जिसके अंदर वेणु जी धराई जाती है। यहाँ हम मदन मोहन जी स्वरूप पर वेणु जी उनके श्री हस्त में धराएंगे, इसलिए पॉकेट की आवश्यकता नहीं है। अब श्रृंगार की रीत देख लेते हैं। प्रभु को बाह वस्त्र अवश्य धरने हैं। यहाँ समय को ध्यान रखते हुए हमने ये पार्ट स्किप किया है, परंतु आप सेवा में फतवी के साथ बाह वस्त्र अवश्य धरें। चाकदार पर हमने फतवी के अंदर श्रृंगार किए, यहाँ हमने फतवी के ऊपर श्रृंगार किए हैं। पहले हम चीरा वस्त्र यानी वागा धराएंगे। ध्यान रखें दोनों श्री हस्त चीरा से ढकने चाहिए, और फिर बंध धराएंगे। बंध की एक विशेषता है, यहाँ ऐसे एक पट्टी होती है जिसके एंड पर ऐसे त्रिकोण या गोल या हेक्सागोनल डिज़ाइन होती है। दोनों तरफ धराने के पश्चात कटी पेच धराए जाते हैं और फिर श्रृंगार धराए। अब लालन पर फतवी धराते हैं। दिखने में फतवी चीरा वस्त्र जैसी ही होती है। यहाँ हम श्याम चीरा पर सफ़ेद पर सुनहरी जरी की फतवी धरा रहे हैं। फतवी धराने के बाद हमेशा चीरा के दर्शन होने चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारी चैनल पुष्टि श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।